हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में आपको यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा उस पर आप बोल सकते हैं, तो हम आपका उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते अपनी क्लास की ओर। क्लास की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली कोई भी वैकेंसी या एडमिट कार्ड की कोई भी जानकारी आती है तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है जो कि आप इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस टाइप करने के बाद आपको इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे जो फर्स्ट लिंक रहेगी आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसकी जो डायरेक्ट लिंक है आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सभी जानकारी आ जाएगी, जिसकी आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 21 से थी और 28 उसकी लास्ट डेट है। चलिए, इसके बाद आप चाहे तो उसकी जानकारी देखने के लिए विज्ञापन पर कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन निर्देश हेतु देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, नया यूजर उपयोगकर्ता बना लेना है। अगर आपने पहले ही बनाया है तो अकाउंट यूजर लॉगिन पर कर लेना है, इसकी हम जानकारी आपको बाद में देंगे। सबसे पहले नए कैंडिडेट, तो नया उपयोगकर्ता कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको चॉइस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस पर टिक कर लेना, उपयुक्त निर्देश को पढ़ और समझ लिया है और पालन करने के लिए सहमत, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पद के लिए आवेदन आ जाएगा। किसके लिए करते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। इसके बाद टाइटल में आपको क्या आ जाएगा, मिस्टर मिस्टर जो भी आप हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेशनलिटी कौन सी है, तो यहाँ पर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेनी है और फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी डाल लेनी है और मोबाइल नंबर कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उस पर जाती ही आपकी जो है ओटीपी आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम आपको फिर उससे आगे बता दें, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है कैप्चर फिलअप करके। तो चलिए दोस्तों, हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर यानी कि आईडी आ जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस संख्या डाल लेना है और पासवर्ड डाल लेना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपकी जानकारी आ जाएगी जो कि आपने आई डी बनाते समय ली थी। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर रहेगा सेलेक्ट आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि आप यूपी के निवासी हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना है। यस या अगर है तो यस कर, नहीं तो नो कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम लिखना है, किसने आपका प्रमाण पत्र जारी किया था। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की डेट आ जाएगी, यहाँ पर प्रमाण पत्र की संख्या आ जाएगी और इसके बाद आवेदन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी चॉइस कर लेना है, जनरल से, EWS है या OBC है, SC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेना यानी कि आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। एम्प्लाई हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जाने की फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो चॉइस कर लेनी है, ठीक है। इसके यहाँ पर आपको पिता का नाम लिख लेना है, ठीक है।
माता का नाम इस प्रकार से आपको सभी जानकारी फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप पता जो भी आपका पता हो, मकान नंबर, ठीक है, यहाँ पर कॉलोनी जो भी आपकी कॉलोनी रहती है, विलेज जो भी विलेज है वो आपको डाल लेना है, स्टेट जिस भी स्टेट से हैं वो आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है सभी जानकारी फिलअप करते जाना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है जो भी आपके एरिया का पिन कोड लगता है। अगर आपकी सभी जानकारी एक जैसी है तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है पत्राचार के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दसवीं की जानकारी देना है, किस बोर्ड से की है, जिस भी बोर्ड से आपने किया हो वह बोर्ड डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपकी बोर्ड नहीं है तो आप अदर भी कर सकते हैं, अदर बोर्ड का नाम भी डाल सकते हैं जिस बोर्ड से वो, ठीक है। इसके बाद आपको वह मंथ वो पाते ये डाल लेना है जिस भी मंथ में आपने एग्जाम क्वालिफाइड किया हो, ठीक है, और डन कर लेना। इसके बाद पासिंग परिणाम स्थिति पास, यहाँ पर आपको रोल नंबर जो भी आपका माफिक का रोल नंबर हो, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यानी माफिक का नंबर डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बारहवीं की जानकारी देना है कि आपकी बारहवीं की जानकारी की है या नहीं की है। अगर आप बारहवीं आपकी भौतिकी विज्ञान और गणित के विषय के साथ होती है तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड का नाम चॉइस कर लेना जो भी आपका बोर्ड का नाम हो, यहाँ पर हम डेमो के लिए कोई भी बोर्ड का नाम ले लेते हैं और पासिंग ईयर भी किसी भी ईयर का ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर वो डाल लेना है और प्रमाण पत्र जो भी आपको वो डाल लेना है। मार्कशीट का प्रमाण पत्र यानी सीरियल नंबर आपको मार्कशीट के ऊपर ही मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई अन्य कंप्यूटर ओ एस का कोई प्रमाण पत्र किया है तो यस करें, नहीं तो नो कर लें। अगर आपने सेना में काम किया है किसी प्रदर्शन की सेना में तो यस करें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली सभी जानकारी केयरफुली चेक कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड कर लेना है जहाँ पर आपको कम से कम जो साइज है वो 11 KB से कम होना से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाल का फॉर्मेट JPG में होना चाहिए और हाल का ही फोटो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन दिख रहा है, ज़्यादा 5 KB से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 10 KB होना चाहिए। अगर आपको फोटो की साइज बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कमेंट करके जो बताइएगा, हम इसकी दूसरी वीडियो बना देंगे जिससे आप आसानी से किसी भी फोटो की साइज बना पाएंगे। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आपको दसवीं की मार्कशीट डाउन अपलोड कर लेना है या आपके संपर्क जो भी हो, ठीक है। जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, 50 KB से 600 KB फाइल साइज होना चाहिए। फॉर्मेट आपको पता है, PDF में भी वो चलेगा, JPG में और JPEG में, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो बहुत ही साफ होना चाहिए, साफ सुथरे, नहीं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको बना करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आपका बारहवीं की अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई अंक होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए बिना स्पेस के, ठीक है। इसके बाद अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से सभी जानकारी आ जाएगी। आपको सभी जानकारी चेक कर लेना केयरफुली जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सभी जानकारी चेक करने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर घोषणाओं पर क्लिक कर देना है, सभी को टिक कर लेना है, ठीक है। टिक कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा सबमिट एंड प्रोसीड टू पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है और सिंपली इसे फिर से कर लेना है। आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपकी सभी जानकारी सही है या नहीं और सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर कर लेना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का पासवर्ड जिस भी आप करना चाहते हैं
पेमेंट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट कैंडिडेट को दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जो बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन प्रिंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।